अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। अभी जो अल हबीब के अंदर लेटेस्ट जो वो आया है सिस्टम नेट बैंकिंग में, तो बहुत सारे लोगों को इससे काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग बैंक अल हबीब की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ अल हबीब ऐप में ये जो अभी मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाऊंगा क्या प्रोसेस है और किस तरह करना है, ठीक है। तो ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये अभी लेटेस्ट जो नेट बैंकिंग में इशू आ रहा है वो उसको रिजॉल्व करने के लिए है। तो यहाँ अल हबीब ऐप इंस्टॉल हो जाता है, और अगर आप में से किसी ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं की तो वो भी अल हबीब की ऐप से कर सकते हैं। ये ऐप है उसकी, इसमें जाके आप मतलब अल हबीब बैंक की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपने फिंगर की या हैंड्स की, ठीक है। तो इस ऐप से हो जाएगी। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वेरीफाई कैसे करना है आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अभी फ़िलहाल हम अल हबीब ऐप की जानिब बढ़ते हैं क्योंकि अल हबीब ऐप का जो इशू है वो रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। नई लेटेस्ट अपडेट आई है इसकी, तो इसे इंस्टॉल होने दें, फिर इंस्टॉल करके मैं आता हूँ आपकी तरफ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अल हबीब की ऐप इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसे करते हैं ओपन, ठीक है। अब इसे ओपन कर देते हैं। जो लोग अल हबीब की ऐप यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता है कि पहले का सिस्टम कुछ और था, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें मतलब काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैंने भी काफ़ी मराइल में इसको किया है। पहले मैंने कॉल की है, फिर मैं फ्रेंचाइज विज़िट किया है मैंने, उसके बाद मुझे इसका पता चला। तो अभी मैं आपको भी वही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, आप इसे अलाउ कर दें, ठीक है। यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम है वो यूज़र नेम आएगा, और नीचे जो आपका पासवर्ड था सेम वही पासवर्ड आएगा जो आप पहले देते थे। तो अभी यूज़र नेम और पासवर्ड दे के उसके बाद फिर आगे बढ़ते, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने पासवर्ड दे दिया है, यूज़र नेम दे दिया, अब लॉगिन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप ये लॉगिन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे आप बैक कर दें, ठीक है। अब ये कह रहा है परफॉर्म बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ठीक है। अब परफॉर्म बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ आप ओनली दिस टाइम कर दें, ठीक है। ठीक है, इनेबल टू रीच करंट लोकेशन, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप दोबारा परफॉर्म बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मार दें। ये लिखा हुआ है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैक्सिमम अटेम्प्ट वन, शुरू में दो अटेम्प्ट लिखा हुआ आएगा, बाद में ये सिंगल अटेम्प्ट पे हो जाएगा, ठीक है। इसे हम दोबारा मार लेते हैं, अच्छा। तो ऊपर इसकी लोकेशन ऑफ थी, अभी मैंने लोकेशन ऑन कर दी। लोकेशन ऑन करने के बाद अभी मार के देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कैमरे पे चला गया, ठीक है। तो अभी इसका कैमरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहा है कि आपने इस तरह से अपनी फिंगर्स देनी है इसमें, ठीक है। इस तरह जब आप अपनी फिंगर देंगे तो ये आपकी फिंगर कवर कर लेगा, जब आप इसमें काफ़ी दूर रखेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखें, अब जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ तो ये काफ़ी दूर सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ करूँगा तब भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं इसको तरीके से यूँ करके चार फिंगर इसके करीब करूँगा यूँ, ठीक है, तो फिर ये उसे उठा लेगा, बीच में आ गया। अब ये तस्वीर क्लिक कर लेगा, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर आगे बढ़ते, ठीक है। इस तरह का आपके पास हो आएगा, प्लीज़ चेंज हैंड, जैसे अब मैंने एक हाथ का कर दिया तो अब ये कह रहा है कि चेंज हैंड दूसरे हाथ की तरफ जाएं, ठीक है। अब ये लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह आप लेफ़्ट हैंड की तरफ देंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूँ आगे आपके पास क्या आएगा और आपने क्या करना है, ओके। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये आ चुका है। तो जैसे ही आप अपने फिंगर्स दे देंगे तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, वी आर इनेबल टू वेरीफाई थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट दिस टाइम, यू विल रिसीव एन ऑटोमेटिक कॉल ऑन योर रजिस्टर्ड डिवाइस, ठीक है। तो अभी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ नीचे वेरीफाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने वेरीफाई पर क्लिक कर दिया, तो अभी ये 1 सेकंड के लिए घूमेगा, ठीक है। अब ये इस पे चला गया, जैसे मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया, ये आ गया सिस्टम जनरेट कॉल वाज नॉट कंप्लीटेड सो काइंडली रीइनिटिएटेड योर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि दोबारा से उस वहाँ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, तकरीबन कोई 5 मिनट इंतज़ार करते हैं, 5 मिनट बाद हम दोबारा से वो उस प्रोसेस मुकम्मल करेंगे और अगेन ही आएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग है इसलिए मैं वीडियो रोक रहा हूँ, मैं दोबारा से 5 मिनट बाद ये प्रोसेस करके फिर आता हूँ, फिर आपको इससे आगे का दिखाता हूँ।
ठीक है, तो अभी हम दोबारा से वो सारा प्रोसेस करके आ गए। 5 मिनट के बाद मैंने दोबारा वो प्रोसेस किया, तो अभी दोबारा मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो आपने यहाँ पे अब वेट करना है जब तक यहाँ आपको ऑटोमेटिक कॉल नहीं आती है, और 5 मिनट तक अगर आपको कॉल ना आए तो आप फ़ोन मतलब ये बैक करके हटा के ऐप मतलब ऐप ऑफ कर दें, और तकरीबन कोई 1 घंटे बाद दोबारा ट्राई करें। तो जिस वक्त भी आपको 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ कॉल आ गई, ठीक है, तो कॉल आने के बाद फिर आपसे वो पूछेगा कि आप नई डिवाइस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या आपने रिक्वेस्ट नई डिवाइस की वेरिफिकेशन दी है। तो वहाँ से आपको जो भी मतलब वो बोलता है कि 1 दबाएँ या वेरिफिकेशन के लिए, या आपने रिक्वेस्ट की है तो 3 दबाएँ या 7 दबाएँ, जो भी वो कहता है, तो आप वो वाला बटन दबा के उसके बाद फिर आप ये जो नीचे वेरीफाई लिखा हुआ है, जब आप उस बटन को मतलब वेरीफाई के लिए वो कॉल आ जाए, जैसे अभी मैं पास कॉल आएगी तो उसके बाद मैं 1 मिनट तक देखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। कॉल आने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो इस नंबर से मुझे कॉल आई थी 021, ठीक है, ये फोन वाले नंबर से मुझे कॉल आई थी, और मैंने जो मतलब उन्होंने बोला मैंने वो बटन दबा दिया। अब मैं आपको उसके बाद के कॉल उठाने के बाद फिर क्या किया मैंने और अब आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो अब मैं अगेन उसी ऐप में आ गया हूँ, मैंने ऐप ऑफ़ नहीं की थी। आप भी ऐप ऑफ़ नहीं करना, जब आपके पास कॉल आए तो आप कोशिश करें कि आप ऐप ऑफ़ ना करें। अब यहाँ से हम वेरीफाई का बटन दबाते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने वेरीफाई का बटन दबा दिया, ठीक है, अब आपके सामने ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वेरीफाई का बटन दबाने के बाद ये हो गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है थैंक यू योर डिवाइस कूलिंग पीरियड इज़ एक्टिव, प्लीज़ परफॉर्म लॉगिन।